नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे यार विभूति नारायण मिश्रा, तुम अभी तक जिंदा हो? यार मुझे तो लगा था तुम कब के टेबल गए होगे। अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब, पहले जरा रिपोर्ट तो देख लीजिए। चलो भाई तुम्हारी तसल्ली के लिए हम रिपोर्ट भी देख लेते हैं। बोझा क्या है? वो झकरकटी वाले विभूति नारायण मिश्रा की रिपोर्ट आ गई होगी ना, तो जरा देना। विभूति नारायण मिश्रा? हाँ यही। और कुछ? जाओ तुम। पक्का? हाँ हाँ जाइए। डॉक्टर साहब देखिए, जरा देखिए क्या क्या है इसमें। यार ये तो चमत्कार हो गया, तुम्हारी रिपोर्ट तो एकदम परफेक्ट आई है। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई ठीक कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट के मुताबिक तुम्हारे अंग प्रत्यंग सब एकदम स्वस्थ है, लीवर गुर्दा फेफड़ा सब अपनी जगह पे सही सलामत है। और स्वस्थ होने की मिठाई सबको बांटो, जाओ। चलो डॉक्टर साहब। आखिर कैसे कैसे बताऊं अनु को कि मैं कुछ दिनों का मेहमान से मालूम चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी, ऐसी कितनी दुबली पतली है, इस सदमे का बोझ कैसे उठा पाएगी अपने पतले पतले कांधों पर। इस चफरे जाए इनका। ओह गॉड। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए तिवारी जी। ओहो आज आप भी यहीं हैं? क्यों मुझे अपने घर पे नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं वो क्या है कि अक्सर आप इस समय ढींगा मस्ती करते पाए जाते हैं ना, इसलिए पूछा। ये बताइए क्यों लेके आए? ओ हम आपको बताना भूल गए, क्या है कि हमारी हेल्थ रिपोर्ट आई है और जो एकदम नीट एंड क्लीन है, एकदम 16 साल के लौंडे की तरह, हमारे हार्मोन्स चीख रहे हैं। इसी खुशी में हम आपके लिए मिठाई लेकर आए, लीजिए खाइए। अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बासी मिठाई खिलाकर हमें बीमार करेंगे। बासी घटिया मिठाई नहीं है, घंटे वाले हलवाई के यहाँ से लेकर आए हैं एकदम शुद्ध। मुझे क्या पता, देखा थोड़ी मैंने क्या घंटे वाले कैसे लेके आए या झुंझुन वाले कैसे लेके आए। हाउ वुड आई नो? ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? हैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा ये घटिया मिठाई आपकी। ओहो क्या बात हो गई भाई, जो आप लोग इतना जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं। भाभी जी क्या है कि आज हमारी हेल्थ रिपोर्ट आई है जो एकदम नीट एंड क्लीन है,